देखिए, अगर हम अडानी समूह के स्टॉक्स को अगर सेक्टर कह सकते हैं, तो अडानी इंटरप्राइजेस, चलिए आज चार्ट के साथ ही बात करते हैं, ओपिनियन तो सबके पास है, थोड़ी एनालिसिस दी जाए आप लोगों को। ये देखिए, आप अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर अगर हो पा रही है तो एक सेकेंड लीजिएगा, मैं इसमें बता देता हूँ। तो अगर जो जो स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर हो रही है, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की एक डेली चार्ट है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, एक्सट्रीम बेयरिश कंसेंसस था, 4 दिन का बहुत तगड़ा रिबाउंड आया, 900 वाला स्टॉक करीब करीब 2200 हो गया, और उसके बाद इतने दिन तक ये शनै शनै उसने एक हायर बॉटम बनाया, और हायर बॉटम बना के स्लैग पैटर्न के बाहर पिछले 3 दिन में निकल गया। तो स्टोरी तो नेगेटिव ही है, डिस्कोर्स तो नेगेटिव ही है, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जितने साल से भी मैंने शेयर बाजार को देखा है, 30 साल से मैं यही देखता हूँ, तेजी की स्टोरी तेजी खत्म होने के बाद खत्म होती है, मंदी की स्टोरी मंदी खत्म होने के बाद होती है। उसका कारण ये है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल स्टोरीज ऑब्वियसली विल बी बैकवर्ड लुकिंग, स्टॉक मार्केट विल बी द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग। शेयर बाजार का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर शेयर बाजार खुद है, भाव का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर भाव है। तो अडानी की चार्ट डेफिनेटली रिवर्सल हो चुकी है, कम से कम ये 2200 तक जाए इसको, और क्या पता, ये मेरे को लगता है 2700-2800 भी हो जाए। अभी ऐसी चार्ट है, इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, सबको अपना अपना अलग रखना पड़ेगा। अब आइए आप अडानी पोर्ट्स में, तो अडानी पोर्ट्स की चार्ट, अडानी पोर्ट्स की भी चार्ट, अच्छा देखिए लोड हो रही है, हम बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की भी चार्ट का। देखिए आप, अच्छा एसीसी को ले लीजिए, एसीसी सीमेंट की स्टोरी और साथ में अडानी। हमने करीब 12 मिनट का लंबा एक वीडियो ट्विटर पे पोस्ट किया, जिसे ज्यादा डिटेल में एनालिसिस देखनी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि न्यू हाई की चाल डेफिनेटली शुरू हो चुकी है, पर मैं साथ में इस चीज को भी नहीं नकार सकता, हमारी एनालिसिस के मुताबिक न्यू हाई की चाल शुरू हो चुकी है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो आपको रिस्क लेनी चाहिए कि अगर यहां से आप एसीसी को इतनी नेगेटिव स्टोरी के बीच में, आप रिलेटिव वैल्यूएशन कंपैरिजन करो, एसीसी के इतिहास को देखो, ठीक है एक अडानी के नाम के साथ आज कोहराम मचा हुआ है, तो उस कोहराम में भी कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है, चार्ट भी कह रही है, कुछ स्टॉप लॉसेस चुन करके थोड़ा थोड़ा सौदा या एसीसी में बनाए, क्या पता ये न्यू हाई की चाल शुरू हो चुकी हो आगे आने वाले समय में। और अब आप अडानी पोर्ट्स को भी देखो, ये बाकी के भी सारे जो अडानी के छोटे स्टॉक्स बिल्कुल खत्म ही होते जा रहे थे कि रोज नीचे की सर्किट, अब सब में वापस ऊपर की सर्किट शुरू हो गई है, तो जो बचा खुचा भी था अडानी का जहर वो निकल गया, और ये देखिए शायद अडानी पोर्ट्स की चार्ट आ गई। अडानी पोर्ट्स ने भी इस तरह का बड़ा रिबाउंड किया, साइडवेज कंसोलिडेटिंग फ्लैग पैटर्न बना, और आज हम फ्लैग के ऊपर निकल गए, क्या पता ये जो चाल शुरू हो चुकी है 740-750 तक किसी झटके में चली जाए। तो अब एक तरफ मान लीजिए अडानी के स्टॉक्स हैं जिनके कारण लोगों ने सोचा कि इंडेक्स में मंदी है, इंडेक्स में तो मंदी का माहौल बना हुआ है, अडानी के स्टॉक्स चल पड़े और डिस्कोर्स लेट से चेंज हो।